क्योंकि भाई इसको मतलब कि मैं बहुत उससे लगवाया था भाई, इस पर कभी भी ना मिट्टी वगैरह लगने नहीं दिया भाई। एक बैटमैन बनवाने वाला हूँ भाई, ऑर्डर खाली करवा रही तो भाई करवा रही, अब कुछ क्या ही कर सकते हैं। यहाँ पे लगा दिया, जब तक इसकी केयर करेंगे अपन बस। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कम बैक टू चैनल, स्वागत है आपका फिर से एक प्यारी सी वीडियो में। आज की जो वीडियो शुरू हो रही है भाई, वो हो रही है 1 या 2 बजे के आसपास भाई, क्योंकि वॉच नहीं पहन रखी भाई। तुमको एक यहाँ पे चीज़ बताऊँ, पूरा हाथ खाली है। तो भाई अभी जो शुरुआत हो रही है वो ये हो रही है कि भाई आज की इस वीडियो में हम जाने वाले हैं भाई, मतलब कि फ्लैट देखने के जाने वाले हैं। तुमको ये बात बताना चाहता हूँ, मतलब कि जिसका भी फ्लैट था ना, जिस फ्लैट में हम रहते थे भाई, वो जो ऑनर था, उनने जो फ्लैट था ना हमारा भाई, ये सेल कर दिया। तो मतलब जिसका भी फ्लैट था ना, अब हमको खाली करना पड़ेगा, क्योंकि जो नया ऑनर है ना, वो रेंट पर नहीं देना चाहते इस फ्लैट को, वो खुद रहना चाहते हैं यहाँ पे। तो अभी जो प्रेजेंट कंडीशन ये है ना कि भाई अभी 1 महीना हुआ था आए हुए यहाँ पे, अब है ना ये फ्लैट को खाली करना पड़ेगा, तो बहुत दिक्कत है भाई। क्योंकि एक जगह पे आप नई जगह पे आते हो तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है आपको ना एक जगह पे, मतलब कि ढलने के लिए भाई, जैसे घर से निकले हो तो बहुत टाइम लगता है। बट यार कोई बात नहीं, अब क्या है, जिसका फ्लैट है वो तो खाली करवाएगा ही भाई। तो हमको 15 दिन का टाइम मिला है भाई फ्लैट खाली करने के लिए। तो आज की वीडियो में हम यही करने वाले हैं कि भाई हम 1-2 जगह फ्लैट पर जाने वाले हैं और देखने वाले हैं, क्योंकि ऐसा फ्लैट मिलता नहीं है जयपुर में। एक नोन ने बताया कि यहाँ पे चले जाना, यहाँ पे बात कर लेना, तुमको फ्लैट वगैरह मिल जाएगा। तो हम यही ट्राई करने वाले हैं, जहाँ पे हमको बताया कि वहाँ पे एक बार जाने वाले हैं, देखने वाले हैं कि यार फ्लैट वगैरह मिल जाएगा। क्योंकि मोस्टली होता है कि बैचलर्स वगैरह का ना फ्लैट देते नहीं है, क्योंकि बैचलर्स वगैरह तुमको पता है वो कैसे रहते हैं, मतलब क्या क्या हरकतें करते हैं, तुम भी जानते हो, तुम भी इसी दुनिया के इंसान हो जैसे मैं हूँ। तो बैचलर्स वगैरह को देते नहीं, बट ट्राई करेंगे कि यार मिल मिला जाए तो, क्योंकि मेरे को भी अब 15 दिन ही मिले हैं, 15 दिन में फ्लैट खाली करना है मेरे को। तो मतलब कि ये जो थे यहाँ पे रहे हम, अच्छा था फ्लैट, मेरे को पता था फ्लैट खाली करना है, बट ये नहीं पता था कि इतना जल्दी करना पड़ेगा। बट मज़ा आया भाई इस फ्लैट में रहने में, क्योंकि बहुत सारी मेमोरी जुड़ी है भाई। 1 महीने में पता क्या क्या कर लिया यहाँ पे, मस्त आराम से रहे भाई। क्योंकि एक नई जगह पे आते हैं तो नई जगह पे जहाँ पे सबसे पहले रहते हैं, तो वहाँ से एक अलग ही मेमोरीज बन जाती है भाई, ये बात तुम भी फील करते होंगे। तो आज की वीडियो में हम यही करने वाले हैं, हमारे बाइक को उठाने वाले हैं और देखने वाले हैं आज फ्लैट्स वगैरह। तो साथ में देखेंगे, साथ में ढूंढेंगे और चलते हैं यहाँ से, बाइक उठाते हैं, निकलते हैं। तो भाई यहाँ पे घड़ी है अपनी RS, और भाई इसको मैं छाया में लगाता हूँ, पहले उस जगह पे लगाता था, बट क्या है वहाँ पे धूप वगैरह आ जाती थी, इसलिए मैंने छाया में लगाना स्टार्ट कर दिया इसको। बाकी देखो दिन के टाइम पे मैंने इसका फ्लैशर वगैरह ऑफ रखता हूँ, कि भाई दिन में तो कोई मतलब नहीं है। बट एक चीज़ बताऊँ, RS के है ना फ्लैशर दिन में भी है ना बहुत सही वो करते हैं। तो भाई ये हो चुकी है अपनी बाइक स्टार्ट, और मतलब कि जो मैंने 200 से वॉश करके ले गया था ना बाइक को, अभी तक भाई वही चल रही है। मतलब मस्त वॉश भी करी थी, खुद से करी थी भाई, मतलब वो मैंने पॉलिश भी करी थी। बट जो भाई मेरे पास पॉलिश है ना, उसकी मैंने पर्सनली वीडियो बना रखी भाई, वो जो अपनी जो पॉलिश है ना वो सही है भाई, क्योंकि जो पॉलिश करने के बाद उस पर शाइन भी अच्छी आती है, और जो है ना अपनी मिट्टी भी नहीं चिपकाती वो। बाकी मैंने भाई अभी है ना कुछ टाइम पहले बाहर से पॉलिश करवाई थी, जब मैंने इसको वॉश करवाया था, बहुत गंदी वो मतलब पॉलिश थी, पता नहीं क्या था भाई, वो इतनी गंदी मिट्टी चिपका ली थी ना इस बाइक ने अपने ऊपर, मतलब गंदी, मतलब पूरी है ना बाइक वॉश है बट ना पूरी बाइक पर ना मिट्टी चिपकी हुई है, वो गंदी हालत थी बहुत ज़्यादा। फर्जी पॉलिश तो नहीं करानी चाहिए बाइक पर, क्योंकि भाई उससे ना अपनी बाइक की ज़्यादा शाइनिंग भी है ना बहुत जल्दी चली जाती है, और दूसरी बात यह है कि है ना वो मिट्टी बहुत ज़्यादा चिपकाती है अपनी बाइक पर। भाई वो रहा अपना फ्लैट। बाकी भाई मैं तुमको बताऊं भाई, अब हम कुछ दिन के मेहमान हैं भाई इधर, क्योंकि भाई अब ऑनर जो है जिसने इसका फ्लैट था, उनने भाई अब इस फ्लैट को सेल कर दिया भाई, तो हमको ये फ्लैट छोड़ के जाना पड़ेगा। मेरे को पता तो था कि ये फ्लैट खाली करना है, बट ये नहीं पता था कि 1 महीने में खाली करना पड़ेगा। मेरे को पता था कि ये फ्लैट छोटा है, बट कोई दिक्कत नहीं थी भाई, फ्लैट मस्त था, एक नंबर था, लग्जरी था फ्लैट, बट ये नहीं पता था कि भाई इतनी जल्दी खाली करना पड़ेगा। तो दुख तो है, क्योंकि अभी कुछ टाइम में तो भाई मैं मतलब कि सेटल हुआ था, मतलब कोई नई जगह आते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है सेटलमेंट करने में। अभी नई जगह पे सेटलमेंट किया था खुद का, बट अभी जल्दी खाली भी करना पड़ रहा है, तो दिमाग तो ख़राब हो रहा है भाई। बट अब क्या ही कर सकते हैं भाई, क्योंकि खुद का फ्लैट नहीं है, रेंट पर फ्लैट है, और मतलब कि खुद की प्रॉपर्टी होना तो सबसे बेस्ट है भाई, क्योंकि उसका कोई मुकाबला नहीं है इन चीज़ों के अंदर, क्योंकि खुद की चीज़ है, आप कहीं भी रहो कैसे भी रहो। बट अभी जो है ये भाई हमसे खाली करवा रही, तो भाई हम कुछ नहीं कर सकते भाई, खाली करना ही पड़ेगा हमको भाई। बाकी अभी मैं जा रहा हूँ एक अपार्टमेंट देखने के लिए फ्लैट, क्योंकि मेरे को 15 दिन का टाइम दिया भाई इस फ्लैट को खाली करने के लिए, और देखना भी पड़ेगा भाई, क्योंकि जितना जल्दी मिलेगा, और ऐसा है कि 1 दिन में ना कोई फ्लैट्स वगैरह कोई नहीं मिलता भाई, कहीं भी नहीं मिलेगा तुमको। 1 दिन में कोई मिल गया और तुम शिफ्ट हो गए, उसके लिए ना बहुत टाइम लगता है। मैं जब यहाँ पे आया था, जब मेरे को बहुत टाइम लगा था ढूंढने में, करने में, शिफ्ट होने में बहुत टाइम लगा था, तो वो टाइम अब मेरे को वापस लगने वाला है। मतलब जो मैंने 1 महीने पहले मेहनत करी थी ना, 1 महीने पहले, वो मेहनत मेरे को वापस आज करनी पड़ेगी। और अभी कोई नहीं पता भाई कहाँ पर मिलेगा फ्लैट, और दूसरी बात तो ये है कि ना बैचलर्स वगैरह को देते नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है, क्योंकि बैचलर तुमको पता है हालत ख़राब कर देते हैं। बट भाई तुमको एक चीज़ बताओ, इस फ्लैट को ना खुद करके जैसे ट्रीट किया था हमने ये फ्लैट को, मतलब कभी भी गंदगी नहीं रखी, टाइम पे सफाई करी थी सब कुछ, मतलब कि जो होना चाहिए था ना वो सब कुछ टाइम पे किया था, कभी भी ऐसे दिक्कत खड़ी नहीं करी थी भाई फ्लैट के अंदर। बट अब भाई ऑनर खाली करवा रही तो भाई करवा रही, अब कुछ क्या ही कर सकते हैं हम भाई। यहाँ पे एक फ्लैट है, तो अभी मैं इस टाइम प्रेजेंट पे वही देखने के लिए जा रहा हूँ, तो देखते हैं भाई फ्लैट वगैरह मिलता नहीं मिलता, क्योंकि वो बहुत आसानी से नहीं मिलता भाई, बहुत मेहनत लगती है उसके अंदर। तो देखते हैं, होप करता हूँ मिल जाए भाई ये अपार्टमेंट, एक बार ट्राई करते हैं भाई यहाँ पे मिल जाए तो। अब बाइक को मेरे को बाहर लगाना पड़ेगा, अब देखते हैं भाई कि मिलता है नहीं मिलता भाई। बाकी अब चलने का टाइम हो चुका है भाई अपना, और बाइक को बाहर खड़ी करी थी भाई मैंने, तो
मेरे को इसके अंदर थोड़ी सी ना टायर के अंदर शायद हवा कम लग रही है भाई, मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा था कि बहुत हैंडल है ना बहुत टाइटली मुड़ रहा है भाई। हवा वगैरह तो ओके है, मतलब ठीक सी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी भाई ये देखो ये क्या कर रखा है भाई, यहाँ पे स्टिकर को रिमूव कर दिया भाई, यहाँ पे मेरे हमारे हिंदू वाले को ये देखो यहाँ से पूरा रिमूव कर दिया भाई। ये सब पता नहीं करके क्या मिलता है लोगों को, मेरे को पता था कि ना एक दिन ना रिमूव होएगा क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे वो है ना लोग, अब भाई पूरा मतलब इसको स्टिक भी कर रहा हूँ तो ऐसे बबल वगैरह आ रहे हैं, दिमाग सा ख़राब हो गया भाई इसको देख के ऐसे। बट अब इसको क्या करूँ भाई, इसको कहीं ना कहीं संभाल के रखना पड़ेगा भाई, क्योंकि भाई इसको मतलब कि मैं बहुत उससे लगवाया था भाई, इस पर कभी भी ना मिट्टी वगैरह लगने नहीं दिया भाई, मतलब बिल्कुल ढंग से लगवाया था कि कभी कोई दिक्कत ना है भाई, यहाँ पे लगा देता जब तक ये हट नहीं रहा। ये लो भाई यहाँ पे लगा दिया, जब तक इसकी केयर करेंगे अपन। बाकी तुम देखिए भाई ये सब तो मैं वापस लिखवा लूँगा। बाकी भाई बाइक में कल वापस पेट उठाया था और फिर से ख़त्म हो गया भाई, मैं परेशान हो चुका हूँ भाई। अभी मेरे को एक दोस्त को उठाना है, फ्लैट वगैरह देख लिया भाई मैंने, अब वापस कहीं और जाएंगे, देखते हैं भाई बाकी क्या होता है, क्योंकि एक दिन में तो कोई अपार्टमेंट्स वगैरह मिलने नहीं वाली। मैंने तुमको पहले ही कहा था बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है इस चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा। एक दूसरी जगह पर अपार्टमेंट देखा, ठीक था, बट भाई मतलब कि देते नहीं है भाई बैचलर्स वगैरह को। बाकी यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर एक तो अलग सा ही वो बन गया, एक पता नहीं क्या चीज़ है हो गई है, स्टिक हो गया पूरा। अब ये तो शायद पता नहीं कैसे हटेगा। बाकी भाई पहले जब हिंदू लिखा था ना बाइक अच्छी लगती थी, बट अब मैं जो करने वाला हूँ ना यहाँ पे एक बैटमैन बनवाने वाला हूँ, बैटमैन यहाँ पर इस पर, क्योंकि ये जो है ना ब्लैकिश है भाई पूरा, इस पर कुछ अच्छी चीज़ लिखवाएंगे क्योंकि मैं चाहता हूँ इस पर एक अच्छी चीज़ लगे इस वाले वाइजर पर। पहले हिंदू लिखवाया था इसलिए लिखवाया था, बाकी हिंदू मैंने एक पीछे भी लिखवा सकता था, हिंदू मैंने यहाँ भी लिखवा सकता था, बट दिक्कत ये थी कि यहाँ पर ना मिट्टी बहुत ज़्यादा आ जाती थी, इस वजह से हिंदू यहाँ पर लिखवाया नहीं था। मैं होप कर रहा था वीडियो वगैरह की अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो क्या करना, वीडियो को लाइक करना है और मिलते हो ऐसी पहले वीडियो आते तक के लिए बाय बाय, स्वस्थ मस्त, खाते पीते रहो।